सामान जो था घर का पूरा, इनकी जन्म की पूंजी थी और ग्राय का सामान पूरा ले, कुछ नहीं छोड़े उन्होंने। तो मैं दुकान में जान लगा तो मैं जब्बा खून दी, एक बार बार मुंडी दिखी, मेरी आंख मिच गई एकदम से। और एक बकरे की मुंडी भी लेके आए थे। कोई तांत्रिक विद्या है को और है, कुछ ऐसे गुमराह भी कर सकते हैं। 3 किलो चांदी और 70,000 रूपए केस। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछा उदयपुर वाटी तहसील के अंदर मंडावरा गाँव आवे बठे आप पूछा। आपने साथ में अंकल जी है जिनका घर चोरी हुई है, बहु आप बातचीत करांगा। अंकल जी आप बात करें तो चोरी में आपने के चोरी हुई? आपने चोरी के अंदर में मतलब एक तो 150 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी और 70,000 रूपए केस गए। उसमें आधा सामान तो ग्राहकों का था और आधा सामान घर का था। मतलब थे कठे हाँ सारा लोग? हम लोग ऊपर सो रहे थे नाइट के अंदर में और पिताजी यहाँ पे दरवाजा में सो रहे थे, हम लोग ऊपर सो रहे थे। जय आप बात करें दुकान के अंदर बैठा रही है, छोटी सी एक मोरी टाइप में है ताकि अड़की जय पहले वाला मकान होता बा में काटा करता सीधो रास्ता के लिए, तो अड़ीन ही पास में अंकल जी सो रहे हैं। बाद में भी माने पत्तों को लगे क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हैं। उसके बाद में दुकान का ताला तोड़ा, फिर अंदर का वो आगल निकाली, फिर वो अंदर से वो खिड़की से अंदर घुस के चले गए। खिड़की खुली के? नहीं, खिड़की वैसे ढका हुआ था, वो अंदर का लोक नहीं था, वैसे ही था। उसके बाद में हम अंदर जाकर के कमरे का ताला तोड़ा, फिर अंदर जाकर के दुकान का जो गल्ला होता है वो लेकर चले गए और अलमारी में सामान निकाल के चले गए और दुकान से वजन करने का तोलने का कांटा बाट लेकर चले गए। तो आप बात करें फिलहाल तो जो मकान है जो कम थारो सामान पड़े वो नीचे ही के? हाँ वह नीचे ही है मकान, ऊपर सारा फैमिली मतलब हाँ, जितना भी मेंबर हो सारा ऊपर? हाँ ऊपर सो रहे हैं, मैं फैमिली समेत सब ऊपर सो रहे थे। तो और ये चोरी रात को 12 से 1 के बीच में हुई है। कभी तो मतलब जागता कब तक? अभी तो गर्मियों को भाई टाइम है, तो गर्मियों में तो 10:30-11 बजे नॉर्मल मतलब सब जागता रहे, मतलब जागने के लिए तो 11:30 बजे तक जाग रहे थे, उसके बाद में नींद आ गई। उसके बाद में हमें पता नहीं, उसके बाद में हम रात को 1:25 पे मैं बाथरूम के लिए खड़ा हुआ, तब देखा तो मकान वकान सब खुले थे, गेट वेट सब खुले थे। 1.5-2 घंटा के अंदर ही वो काम कर? हाँ 1.5-2 घंटे के अंदर वो काम करके चले गए। अब आप बात करें जहाँ चोरी हुई है, चोरी का हिसाब देखा तो कोई ना कोई यहाँ लग गए कि कोई सुरागी आदमी उसका? अब यही है ना, कोई मान लो या कोई निजी आदमी हो सकता है या कोई जान पहचान वाला भी हो सकता है, कोई पास में बैठने उठने वाला भी हो सकता है। अब किसी का नाम तो नगर नहीं कह सकते कि भाई ये आदमी हो सकता है। थाने कोई पर शक भी हुआ है कि नहीं? हमको तो अभी किसी पर शक नहीं है, अपने मोहल्ला पड़ोस में बैठने उठने पर किसी के पास शक नहीं है। अब ये तो प्रशासन का काम है करने का। तो FIR करवा दी? हाँ FIR प्रशासन का भाई हो? प्रशासन तो वो नाइट में ही आ गए थे, 2 बजे आ गया था प्रशासन, वो मौका मुआयना देख करके चले गए, वो मौका मुआयना करके चले गए थे और वो तस्वीर वस्वीर खींच के ले गए थे बोले, और फिर सुबह थाने में जाके FIR दर्ज करवा लेनी। और फिर दूसरे रोज वो स्टाफ चौकी से आ गए थे, हमारी पतलंगी चौकी लगती है, वो आके तफ्तीश करके चले गए थे। फिर उसके बाद में कल डॉग स्क्वाड लेके आए थे, बोला हम मामले की जांच कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे बोले चोरों को। और एक बकरे की मुंडी भी लेके आए थे, वो बाहर में बकरे का सिर कटा हुआ पड़ा था हमारे घर पे। कटे जो बकरो है अभी की नाड़ नाड़? हाँ नाड़ नाड़ कटी हुई थी। कड़ी मिली वो अपने ये दुकान के पास में, ये जो गुफा है बैठने का उनके ऊपर पड़ी थी बकरी की मुंडी। यो तो कुछ अलग सो ही मामलो लगा। हाँ अलग मामलो है, मान लो चोरी भी होगी फिर मुंडी, या तो फिर मुंडी गुमराह करने के लिए लिखी गई कि इनको गुमराह कर दे, मान लो या मान लो इनको कुछ गुमराह कर दे कि भाई कोई तांत्रिक विद्या है को और है, कुछ ऐसे गुमराह भी कर सकते हैं। तो अब के खड़ो है प्रशासन थारी की रिक्वेस्ट है के चाहो? अजय हमारे जो प्रशासन जी रिक्वेस्ट है कि हमारा माल बरामद किया जाए और चोरों को गिरफ्तार किया जाए। और कितना के रुपया को नुकसान होगा मैं? नुकसान तो मान लो 8 से 10 लाख रुपए तक का हो गया। जो बकरा की मुंडी मिली ही, जो बकरा को सिर मिलो हो वो ईट मिलो है। और आप बात करें तो जो मैं खड़ी हूँ अभी जो मकान है अभी को मेन दरवाजो है अठे अंकल जी सो रहा, जो कमरा हो ई कमरा के अंदर जो भी सामान पड़े हो मोटो मोटो वो सारो ही के अंदर पड़े हो। बखारी बोल रही है आपने लोकल भाषा में, बठे आपकी एक अलमारी रख रखी एक अंदर जो मोटो मोटो सामान हो एक अंदर पड़े हो, छोटो सा एक मजूस है मजूस के ऊपर ही गल्लो पड़े हो जा दुकान को, और वो भी उठा के लेगा। एक तरीका में मान लो चोरी हुई है, चोरी भी कुछ चौकान वाली सी हुई है कि भाई बकरा की मुंडी मिल लो? बाद में 12:30 बजे तक तो भाई बोले मैं जाग रही ही। 12:30 बजे तक? हाँ बा बोल रही है मैं जाग रही हूँ पर मन चेत तो हो पर मन पतो को नहीं, खुड़को सुनियो को नहीं क्यों। मैं कड़े सो रहा बाबाई अठे सो रहा, मैं सब एक जगह ही सो रहा। हाँ कती बजे तक जागता? मैं 11:30 बजे तक जाग रही भी, के बाद में 12 बजे उठी, 12:30 बजे उठी।
पानी पीबा के लिए फिर कुछ ही दिखो मना तो मतलब 11:30 बजे तक तो थे नॉर्मली जागता हाँ, और भी के बाद में थे पानी पुनी पीने के लिए भी हाँ उठूं भी के बाद में कुछ भी दिखो मना तो थे कठे सो रहा ऊपर ही 11:30 बजे रूम से गया मैं नीचे से 11:30 बजे ही रूम से गया हाँ। फिर बाद के मान 1 बजे रात ने उठा तो बोला गेट का लॉक कौन कर रहा है कि गेट का लॉक तो कर रहे हैं वो माँ बोली भाई तू करके ये पूजा बोला कहे हाँ मुझको ना झूठ बोलो थे फिर बाद में वो भाई बोले हाँ मम पापा लॉक करके आया बोले बच्चे अठे से देखे ना तो बोले ना खुला है मैंने बोली जा देख किया नीचे हाँ बोली ना डर लग गए फिर मैं बोली मैं सोचा क्यों को नहीं छोड़ आया होगा खुला बाद में दूसरी भाई भी भाई बोले बोला अच्छू गई मैं बोली बेटा तू गई नीचे बोला ना मम्मी मैं तो कुन गई बोला बाद में उठी बढ़ी से आ रठी देख तो मैंने बिल्कुल से खुला मैं है जो कपड़ा और खिड़ेड़ा दिखा जब आज तो कोई कोई बात है बस अब्बा लगा तो मैं रुकी एक बार मैं रुको पर तो ना अंदर कोई हुआ फिर मैं हाँ, मतलब डर सो भी लगा तो लाग रही हो हमारे संग झिझक होगी बाद में मैं नीचे सारा का सारा एक साथ आया बढ़िया तो वो भाई बोले मम्मी बोले पापा बोला अलमारी भी खुली अब भी खुली अब भी खुली फिर बोले पापा गल्लो भी मैं बोली नहीं है गल्लो कि भाई दक्कल नहीं बैठे एक साथ के मायने वो नहीं गल्लो है बी के बाद में बोला खटे है मुझको बैठ जाओ सांस लो एक बार बाद में दुकान में जान लगा तो मैं जब्बा घून दी एक बार बार मुंडी दिखी मेरी आँख मिच गई एकदम से बाद में जार देखा तो कुछ ही गुनी सब साथ मिलो हर चीज़ वो गल्लो गलो कुछ ही गुनी अब बैठ जाओ मैं अब थे पड़ोसियान तो बुलाओ जहाँ पड़ोसियान बुलाया रात ने पड़ोसी आया बी के बाद में 5-10 मिनट तो मैं बैठा फिर मुझको अब कोई बात सोचो के बाद बी के बाद में पुलिस ने बुलाया पुलिस इंक्वायरी कर ली रही और ही तो सामान पूरा ले गए इनका जैसे दुकानदारी का भी था घर का भी था जैसे अपन सामान बेचते बड़ा हुआ सामान था जैसे टूट फूट थी चांदी के सिक्के भी थे उसमें दिवाली पूजा के भी करते हैं वो भी थे और इनकी मेरी देवरानी की नथ थी 4 चूड़ी भी थी इनकी और बच्चों के भी थे कान नाक के मतलब काफी सारा सामान पूरा सामान जो था घर का पूरा इनकी जन्म की पूंजी थी और ग्राय का सामान पूरा ले कुछ नहीं छोड़े उन्होंने। इस वीडियो के बारे में थारा के सुझाव ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ चैनल पर नया हो चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर करो पास में बेल आइकन घंटी है बिन भी दबा लो जय हिंद जय झुंझुनू।